हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम बैक टू द चैनल अवनीश चंद्र। मैं अवनीश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीतामढ़ी बस स्टैंड दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सीतामढ़ी बस स्टैंड प्राइवेट बस स्टैंड फिर से दिखाएँ अगेन, तो वही दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स वीडियो। यह सीतामढ़ी का प्राइवेट बस स्टैंड है जो चकमहिला में स्थित है। चकमहिला नगर निगम के द्वारा यह प्राइवेट बस स्टैंड का निर्माण कराया गया है। करीबन 4 साल पहले इसको पुनः भवन बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं, सीतामढ़ी बस स्टैंड से आपको लोकल शिवहर, पुपरी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, सूरचंड, परिहार, सोनबरसा, सारे जगह के लिए गाड़ी बनती है यहाँ से। लोकल बस, प्राइवेट बस स्टैंड है यह, और लॉन्ग रूट के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, लुधियाना, रांची, इस सब जगह के लिए यहाँ से गाड़ी बनती है। और यह बस स्टैंड सब दिन खुला रहता है, सप्ताह के 7 दिन खुले रहते हैं। और इस बस स्टैंड में सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से गाड़ी यहाँ से मिल जाएगी आपको मुजफ्फरपुर के लिए। और डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, दिल्ली जाना हो या फिर कुछ तो आप ट्रेवल्स पॉइंट को हायर करें, उसके बाद पीतम्बरा बस है उसको हायर करें। सबसे अच्छा, मैं दिल्ली गया था तो सबसे अच्छा मुझे सर्विस लगा पीतम्बरा बस का, क्योंकि पीतम्बरा बस में एसी कभी भी बंद नहीं होता है। और ऐसे आप देख सकते हैं, अच्छा है पीतम्बरा बस का सर्विस। और इस बस स्टैंड में कुल 2 द्वार हैं, 2 गेट हैं, एक एंट्री गेट है और एक एग्जिट गेट है। और अभी इस कैंपस में एक मंदिर भी है जो आपको दिखाया हूँ। और यहाँ से स्टार्ट होता है सीतामढ़ी बस स्टैंड का, और इसमें करीबन 2-3 शौचालय भी हैं, एक पेवल भी है जिसमें पैसा दे के आप स्वच्छ कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं मंगला रथ है, शीत बसंत है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ से ढेर सारी गाड़ी खुलती है, चंदन रथ है, अमर ज्योति है, पीतम्बरा है, लोकल के लिए यह सब गाड़ी खुलती है। और लॉन्ग रूट के लिए मंगला रथ है, और लॉन्ग रूट के लिए यहाँ से ट्रेवल्स पॉइंट है, पीतम्बरा है, ढेर सारी प्राइवेट बस कंपनियां हैं, देख सकते हैं। और वीडियो में बने रहे। और सीतामढ़ी बस स्टैंड में आपको साफ सुथरा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा पहले के बस स्टैंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि यह नगर निगम में आ गया है और साफ सुथरा तो करना दे रखा गया है। और यहाँ पे छोटे मोटे स्टॉल भी है खाना पीने के लिए, खाने पीने के लिए, तो बढ़िया है यहाँ का। और मैं आपको बता दूँ, आप 8:30 के बाद इस बस स्टैंड में ना जाएं, और अपने सामान की सुरक्षा आप स्वयं करें, क्योंकि यहाँ पे चोर उचक्के बहुत ज़्यादा घूमते हैं रहते हैं। मेरे फ्रेंड का बैग चोरी हो गया इसी बस स्टैंड से। और यहाँ पे देख सकते हैं एक दो स्टॉल अंदर भी है बस स्टैंड के अंदर में खाने पीने का। और ये सामने जो देख रहे हैं ये शौचालय है, 5 रुपये, 10 रुपये ये सब लिखा हुआ है। और यही बस सब है। और सीतामढ़ी का बस स्टैंड काफ़ी बड़ा है, सरकारी बस स्टैंड के अकॉर्डिंग।
किराया भी जुनून लेते हैं ये लोग। बट मैं आपको एक बात बता दूं, सीतामढ़ी से तो जाते हैं तो सही है, पटना से आने के टाइम में मेरे साथ एक कांड हो गया। बाहर में मैं एक स्लिप कटवा लिया टिकट, और उस टिकट जब मैं बस में बैठा तो फिर से मेरे से पैसा लेने लगा। और ये अभी जो नया बस स्टैंड खुला है पटना में, प्राइवेट बस स्टैंड, वो अच्छा नहीं है। तो कभी भी बाहर टिकट ना कटाए और बस में बैठ जाए, फिर बस वाले से ही टिकट कटाए। बोलेगा जो ये टिकट काट देंगे, हो जाएगा ये होगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, तो उस बात उसके बात में ना रहे। और कभी भी गाड़ी में बैठ के ही टिकट कटाए, क्योंकि गाड़ी के फ्रंट में बैठा रहेगा जो इस गाड़ी में बैठिए 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 और टिकट काट देता हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, सुनील कुमार मोदी जी के द्वारा यह बनाया गया है सीतामढ़ी बस स्टैंड, और यहाँ पे वेटिंग रूम है और यहाँ पे लेटे रहते हैं यात्री लोग, इनका गाड़ी टाइम पे नहीं रहता है उनका, उनके लिए यह बनाया गया है वेटिंग रूम छाँव के लिए। विक्की ट्रेडर्स है और ये देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है प्राइवेट बस स्टैंड सीतामढ़ी का। और ये लॉन्ग रूट के लिए बस है, बड़ी बड़ी बस जो है ये लॉन्ग रूट के लिए है। और अभी इससे पहले जो बस सब मैं दिखलाया था वो सब था लोकल रूट के लिए, और ये सब अभी लॉन्ग रूट के लिए बस है मुजफ्फरपुर पटना के लिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कर ले, क्योंकि वीडियो बहुत मुश्किल, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। और देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का दिखता है अपना सीतामढ़ी बस स्टैंड, और ये सब गाड़ी अभी बन के तैयार हो गई है, और मेंटेनेंस इस सब गाड़ी का भी चेक होगा, फिर यह गाड़ी यहाँ से रवाना होगी अपने जगह के लिए, अपने जर्नी के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं अभी मेंटेनेंस चल रहा है, और यह सुरसंड के लिए गाड़ी है। यहाँ से सुरसंड भी करीबन 40-45 किलोमीटर है, और टाइम लगता है वही आपको एक घंटा लग जाएगा बस से जाते हो तो। फिर और सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर के लिए भी आप जाते हो तो एक घंटा लग जाएगा, और पटना जाते हो तो 2-2.5 घंटा लग जाता है। पहले तो जाम का इशू रहता था, बट अभी जाम का इशू नहीं है क्योंकि गांधी सेतु पे 2 लेन चालू हो गया है, तो जाम का इशू नहीं है। लेकिन उससे पीछे और आगे भी थोड़ा मोरा जाम लगा रहता है गायघाट पे, क्योंकि अभी नया जो बस स्टैंड आ गया है तो आदमी लोग सोचते हैं जो मैं किधर जाऊँ, कहाँ जाके गाड़ी पकड़ूँ। तो इसके लिए अभी जो प्राइवेट बस स्टैंड पटना का खुला है वो आपको गायघाट के पास में ही सब गाड़ी लगी रहती है, और जबरन आदमी को पकड़ पकड़ के बस में बैठाते रहते हैं। अभी मैं देखा हूँ, कुछ दिन पहले गया था तो बहुत ज़्यादा हाल ख़राब है। उससे अच्छा तो मीठापुर बस स्टैंड ही था, कम से कम ये तो था जो आदमी को पता रहता था। अभी इतना दूर सुबह में 5:20 में यह गाड़ी एक खुलती है यहाँ से, जो मुजफ्फरपुर होके डायरेक्ट पटना को जाती है, और मुजफ्फरपुर में करीबन 5 मिनट रुकती है। वो एक्सप्रेस है, हमारी ज्योति है वो गाड़ी। तो सपोज डेट आपको मॉर्निंग में पटना जाना हो तो आप वो गाड़ी ले सकते हैं, और वो गाड़ी आपको डायरेक्टली पटना ही लेके जाती है, मुजफ्फरपुर में भी मतलब बाहर ही रुकती है, तो वो गाड़ी सही है मॉर्निंग में जाने के लिए अमर ज्योति का। और मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, सपोज डेट आपको दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, चंडीगढ़ जाना है, कॉल कर सकते हैं।
और जनरली दिल्ली के लिए जाने के लिए सीटों वाला जो मिल है उसका 1600-1700 दाम है और कैरी जो है तो उसका दाम 2300-2500। कैसे हैंडल करते हो, फिर आपको कम रेट हो जाएगा, बार्गेनिंग हो जाता है, करोगे फिर तो। ऐसे रोड साइड में तो बहुत सारे दलाल बैठे रहते हैं जो आपको ठगेंगे, बट बात कर लेना अच्छे से तो पैसा कम लगेगा आपको। और आपको बता दूं कि सीतामढ़ी का ये बाहर का गेट है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ से बनती है गाड़ी जो निकलती है लोकल के लिए, और लेफ्ट साइड में है एक्सप्रेस जो दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, लुधियाना के लिए निकलती है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, एक टूरिस्ट पॉइंट का है नंबर, देख सकते हैं, इसी नंबर पे आप लोगों को कॉल करके कॉन्टेक्ट कर लेना है और बुक कर लेना है, क्योंकि यह नंबर बिहार से लुधियाना तक के सी दिल्ली के लिए भी जाती है, और यह टूरिस्ट पॉइंट का सिर्फ स्लीपर क्लास का है, डेली बस सर्विस है, यहाँ से डेली बस जाती है। और ये रहा कुछ बाहर का दृश्य प्राइवेट बस स्टैंड सीतामढ़ी का, और इसके आगे आपको आम वाले बहुत बेचते रहते हैं, लेकिन अच्छे से लीजिएगा क्योंकि वह डंटी क्या कुछ चढ़ा देते हैं और फिर आपसे पैसा ऐंठ लेते हैं। और आप घर पे जाइएगा तो आम कम रहेगा या फिर सला हुआ आम रहेगा, वो थाली बदल देते हैं आम का। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फ्रेंड्स इन अदर वीडियो इन अदर ब्लॉग्स में। बाय।